हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ पौधे दिखाएंगे और उनके नाम भी बताएंगे। देखो कितने सारे हमारे पास हो रहे हैं ना पौधे, ये देखो कितने सारे हो रहे हैं। और ये देखो, ये अपराजिता बिल्कुल छोटे से में हो रहा है। ये देखो छोटू सा गमला है ये मेरा, ये देखो इसमें हो रहा। और इसमें देखो ये फूल भी मेरे खिल रहे हैं, सुबह के टाइम खूब सारे खिलते हैं। इनमें देखो मैंने रबड़ लगा रखा है, चुटिया करके रबड़ लगा रखा है, कितने अच्छे हो रहे हैं ना। इसी में देखो एक ये कोस कोम भी हो रहा है। तो ऐसे ही लगा लिया करो, अगर आप बालकनी गार्डन करते हैं, बालकनी में आप पौधा लगाते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। देखो एक ही गमले में, और ये देखो ये भी देखो एक गमले में ये सदाबहार भी है, और देखो ये भी है। तो इसमें भी फूल आता है खूब सारा सुबह के टाइम, और ये तो पूरे दिन रहता ही है। तो एक ही गमले में हो गया ना दो पौधा, और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये देखो, ये देखो। और ये देखो छोटे से मैं ये बालकनी की वजह से ही ये मैंने इसमें लगाया है कि अपनी बालकनी में मैं रख लूँ, तो इसको मैं बालकनी में रख लेती हूँ। देखो कितना अच्छा है ना, आराम से रेलिंग के पास इसे रख दो। ये देखो कई सारे मैंने लगा रखे हैं, और ये पेप्सी वाला बोतल है, उसी को कलर करके फिर मैं लगा रखी हूँ। ये देखो, और ये मैं पत्ते से लगाई थी, पत्ते से मनी प्लांट लगाई थी, ये लग गया। ये देखो कितना अच्छा लग गया, ये देखो ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। और ये डाली तोड़ के लगाई थी, ये पत्ते से लगाई थी, एक ही दिन के लगे हुए मनी प्लांट हैं और लग गए। तो इसी तरीके से लगा लिया करो आप भी, पत्ते से भी मनी प्लांट लग जाता है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। पत्ता तोड़ो, तोड़ के और लगा दो, और लग जाएगा आपका मनी प्लांट। और कितना सुंदर हो गया है, देखो पूरा बूसी हो गया, बहुत अच्छा लगता है, मैं तो इसको खूब देखती हूँ। और ये लटकने के हिसाब से मैंने कर दिया, ये तो डाली तोड़ के लगाई हूँ, अगर मुझे बूसी करनी है तो मैं यहाँ से कट कर दूँगी, कट कर दूँगी तो ये बूसी बन जाएगा। ये देखो कितना अच्छा पौधा हो रहा है ना, ऐसे ही लगा लिया करो छोटे छोटे चीज़ों में। ये देखो सोलोसिया कोस्कोम का है, ये इतना अच्छा ये फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखो ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, उसी में फूल आ रहा है, बराबर फूल आता ही रहता है, इसलिए कटिंग लगा लिया करो। पुराने पौधों में इतने फूल नहीं आते, अगर नया आप लगाओगे ना उसमें बहुत फूल आता है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी फूल इसमें आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ लटक रहा है। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो ये फूल आ रहा है ना, ये देखो इसका ग्रोथ तो देखो, और फूल देखो कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। ग्रोथ देखो बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, तो दूर दूर से दूसरे लोगों को दिखता रहता है ये। और ये देखो इसमें लग रहा पीले कलर का आएगा, मैंने लगाया नहीं है इनको, ये सीड झड़ के खुद हुए हैं, ये देखो मैंने एक भी इसमें से लगाया नहीं है। अगर एक साल आप लगा लोगे कोस्कोम सोलोसिया तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही हो जाते हैं। इस गमले में मैंने लगाया था, देखो गमले में लगाने की वजह से मैंने इस गमले में लगाया था, तो ये मेरा लगा ही रह गया, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है। और जो खुद अपने से लगे हैं झड़ के हो गए, ये तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए, पूरे जंगल बन गया मेरा छत, पूरा जंगल हो गया, ये देखो पूरा जंगल का लुक दे रहा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो नहीं उखाड़ के फेंकी, फिर मैंने कहा रहने दो फूल तो आ ही जाएंगे। और देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, ये देखो बहुत प्यारे फूल आ रहे हैं, बहुत प्यारे। तो ऐसे ही लगा लिया करो, अगर कुछ सीड झड़ के गिर जाए ना आपके गार्डन में तो मत उखेड़ा करो, जाने वो किस चीज़ का पौधा होगा। और कितने अच्छे हो जाते हैं ये देखो, ये भी बहुत बड़ा हो गया है,
ये देखो बहुत बड़ा सा हो गया है। ये है इसका पेड़, देखो कितना बड़ा हो गया है ना, छोटे से गमले में लगा हुआ है। और ये देखो गुलाब में भी मेरे कली आ रही है, तो खूब गुलाब हो जाएंगे मेरे पास, गुलाबी गुलाब हो जाएंगे। गुलाब तो खैर पूरी गर्मी मेरे गार्डन में ही रहता है पूरी गर्मी। ये देखो ये खिल चुका था ना, ये सीड बना रहा है। तो ऐसे हो तो तोड़ दिया करो, ऐसे पिंच कर दिया करो। कितने फूल हैं अब इसमें, जब भर के फूल आएगा तो देखना इतना अच्छा लगेगा, ये बहुत प्यारा लगेगा। गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही गुलदस्ता है। और ये देखो सदाबहार, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना सदाबहार। ऐसी सदाबहार लगा दिया करो जगह जगह पे, पूरी छत पे मैं लगा रखी हूँ जगह जगह। देखो ये है हिबिस्कस में, ये इसमें कल फूल आ जाएगा, इसी डाली का है जो कटिंग में बता रही हूँ वही है। देखो ये कोने में लगा पड़ा है। और ये देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, बारिश होने से ना पूरा एकदम अच्छा हो गया, खिल के हो गया, खिल के मतलब खूबसूरती बढ़ गई इसकी। इसकी कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देखो कितनी अच्छी है ना कटिंग, ये देखो। तो ये तो ज़रूर लगाया करो अपने गार्डन में, इससे क्या है ना कि अगर फूल ना भी हो ना तो भी गार्डन बड़ा ही प्यारा लगता है। इससे इसमें रंग बिरंगे बहुत सारे आते हैं, मेरे पास बस यही है, मैं यही लगा रखी हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, इसकी किनारी मुझे अच्छी लगती है। और ये देखो सदाबहार, मैं बोलती हूँ ना जगह जगह पर सदाबहार मैं रखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है गार्डन। तो ऐसे ही लगा लिया करो, और बिल्कुल जो मैं करती हूँ ना लगाती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। देखो ये पौधा मेरा ख़राब हो रहा है, देखो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बहुत मतलब इंतज़ाम से इसे रख रही हूँ मैं। पानी इसमें ज़्यादा डल गया, ये कोने में पड़ा हुआ था, अब देखो बांधा है मैंने इसको। ये देखो बड़ा ही खूबसूरत पौधा है, ये मर जाएगा तो मुझे बड़ा ही दुख होगा। ये देखो कितना प्यारा है, और छोटे से गमले में लगा हुआ है ये देखो। और ये भी देखो छोटे से गमले में लगाई हूँ, ये देखो छोटे से मैं ही लगाई हूँ। ये देखो ऐसे कटिंग छोटे छोटे में लगा के मैं रख देती हूँ, और कितना अच्छा कटिंग चल रहा है ये देखो। कितना अच्छा चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसे बूसी करनी है तो आप इसको पिंच कर दो, ऐसे पिंच कर दो और फिर इसे कहीं भी लगा दो, ये लग जाएगा। इतना अच्छा पौधा है ये, ये देखो ऐसे गाड़ दिया बस ये लग गया समझ लो, इतना अच्छा पौधा है ये। एक तरफ एक कलर होता है, एक तरफ एक कलर होता है, देखो इधर रेड है जामुनी और इधर ग्रीन, लाइनिंग बनी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। देखो कितनी प्यारी है ना, ये देखो ये भी मैं जगह जगह पे लगा के रख रखी हूँ, बहुत सारा है। और ये गुलाब जो मैंने दिखाया था इसको दिखाती हूँ मैं आपको, इसकी वीडियो डाल रखी हूँ, जो दालचीनी पाउडर डाल के मैंने ठीक करा था, ये गुलाब मेरा सही हो गया। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये वही गमला है, ये कैक्टस भी है और देखो इसमें ये भी लगा हुआ है। और इसमें मेरी गोल्ड था वो मैंने हटा दिया, इसी के अंदर था उसको लगा दी किसी और गमले में। और देखो इसमें ये देखो पत्ते आ गए, कितने अच्छे हो गए ना। अब इसमें पूरी सर्दी फूल आएगी, अगर आपका गुलाब मर रहा हो तो आप इसी तरीके से करो जैसे कि मैंने किया है। इसकी पूरी वीडियो मैंने डाल रखा है कैसे मैंने इसको बचाया, ये बिल्कुल मर गया था, इसका बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही बेचारा ख़राब हो गया था ये। अब ये देखो न्यू ग्रोथ इसमें आ गया, और कितना अच्छा ग्रोथ आया है ये देखो, ये देखो। और ऐसे अगर सूख जाया करे तो इसे कट कर देना, नहीं तो ये आपका पौधा मर जाएगा, मैं इसे कट करूँगी बाद में। ये देखो यहाँ से ऊपर ऊपर का कट कर देना, नहीं तो ये सुखाता चला जाएगा। गुलाब बहुत नाजुक पौधा होता है, गुलाब की देखभाल करना बहुत
बहुत कठिनाई से करनी पड़ती है और फूल बहुत देता है ये। बस इसको पानी बहुत कम चाहिए। अभी तो बारिश दिल्ली में खूब हुई है, देखो गमला पूरा भरा हुआ है पानी से, बहुत बारिश हुई है दिल्ली में। तो देखो कितना अच्छा है ना। ऐसे ही आप भी अपने गार्डन को सजाओ, डिब्बा बोतल गमला जो चीज़ आपको मिल जाए उसी में पौधा लगाओ, लेकिन पौधा ज़रूर लगाओ, आप अपने फ़ायदे के लिए लगाओ। इसके लगाने से हमें बहुत फ़ायदा है, शुद्ध हवा मिलेगा हमें, बिल्कुल अच्छा हवा मिलेगा, साफ़ सुथरा हवा मिलेगा, उसमें कोई भी गंदगी हवा में नहीं होगी। तो देखो ऐसी लिए लगाया करो पौधा, पौधा लगाने से फ़ायदा है, ज़्यादा नहीं, 2 गमला 4 गमला 6 गमला, लेकिन ज़रूर लगाओ। तो बालकनी गार्डन के लिए देखो इसी तरीके से लगाओ आप। ये देखो अब ये इसमें लगा दिया मैंने, ये बहुत अच्छा पौधा है देखो। और ऐसे मनी प्लांट लगा लो, ऐसे इस पौधे को लगा लो, और ये सदाबहार लगा लो और आप अपने गार्डन में रख दो। देखो इसे लगा लो, ये भी देखो बोतल में लगाई हूँ, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है, नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ऐसे लगा लो ये, अब ये आसानी से ये लग सकता है, आप आराम से अपने बालकनी में रख सकते हैं, वजन भी नहीं होगा ज़्यादा और आपका पौधा लग जाएगा। तो ये मैं बालकनी में रखती हूँ अपने, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे छोटी छोटी रख देती हूँ, बहुत प्यारा लगता है हमारा बालकनी देखने में। तो ऐसे ही आप भी लगाओ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। मैं नई नई जानकारी लाती रहती हूँ और मैं कटिंग और सीड से पौधा लगाना ज़्यादा बताती हूँ क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ। ये भी कटिंग से लगा रखी हूँ, ये भी कटिंग से, ये पत्ते से लगाई हूँ, ये कटिंग से लगाई हूँ, ये भी कटिंग से लगा रखी हूँ, कटिंग से सीड से दोनों से लग जाता है ये। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लगा सकते हो। देखो मैं सीड दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये सीड है इसका, ये सीड है, ये टूट गया देखो, अभी दिखा रही हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये सीड है, तो ऐसे सीड निकाल के ऐसे इसके अंदर ब्लैक कलर की सीड होती है और निकल जाएगी। अब बस किसी भी गमले में आप डाल दो, आपका पौधा लग जाएगा। ये देखो ब्लैक कलर का ये रहा, ये सीड है, किसी में भी डाल दो आपका पौधा लग जाएगा। मैं तो इसमें डाल रही हूँ, देखो कितना अच्छा है ये, देखो ये कितना बढ़िया है बालकनी में रखने के लिए, बहुत अच्छा है, आसानी से आप कहीं भी रख सकते हो। ऐसे ही अपना लगा लो, लगा के रख दो। अरे पौधे ही तो हमें रखना है, हमें खूबसूरती बढ़ानी है पौधा लगा के। ये देखो कितना सुंदर है, ऐसी थोड़ी बताती हूँ मैं पूरा खुद करती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखो इसमें एक ही में 2 पौधा है, तो बालकनी में जगह बहुत कम होती है, तो हमें इसी तरीके से लगाना है कि छोटे डिब्बे बोतल में जो पौधा हमारा लग जाए वैसे ही लगाना है। जैसे कि अब ये है देखो लग गया, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो कोई बनावटी वीडियो नहीं दिखाती मैं, ये देखो लगा रखी हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, न्यू ग्रोथ हो रहा है। ये डेकोरेशन के लिए मैंने डिब्बे में काट के लगाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो कोई भी दूर से देखेगा तो कितना प्यारा लगेगा। और भी लगा रखी हूँ, ये देखो इसमें भी लगा हुआ है, ये देखो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, ये कितना प्यारा ग्रो हो रहा है। कहीं भी लटका दो इसको, रेलिंग पे लटका दो, अच्छा लगेगा ये, और छोटा सा है, वजन भी आपकी बालकनी में नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।